नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 74। किसकी? प्रैक्टिस सेट 74 के विषय में हम बात करेंगे, जो कि आज के हमारे जो संबंधित प्रश्न है वो है पुनरुत्थान कालीन कला से लगभग 1300 से लेकर 1350 ईस्वी से 1520 या 1530 ईस्वी तक से संबंधित जितने भी कलाकार या शैलियाँ हैं उसी से संबंधित आज के ये सारे प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पुनरुत्थानी कला शैली किस पर आधारित है? तो यह किस पर आधारित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, मानवीयता पे। किस पे? मानवीयता पे आधारित है पुनरुत्थानी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों से पुनर्जागरण काल की चित्रकला का जन्म हुआ, तो वह कौन थे मित्रों? क्या है ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी जियोत्तो। क्या है ऑप्शन नंबर सी जो कि जियोत्तो है। बात होती है मित्रों पुनर्जागरण कला का, अगर केंद्र कहाँ पे रहा है तो यह इटली रहा है। क्या रहा है? इटली इसकी कला का केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की क्या कह रहा है? यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है, तो इस युग का कला समय क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी 1420 से 1500 ईस्वी के मध्य। कितना? 1420 से 1500 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो मानवतावाद किसकी कुंजी है? यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, पुनरुत्थानवाद की। किसकी? पुनरुत्थानवाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरुत्थान कला का केंद्र था, तो पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि इटली। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? इस युग का प्रमुख कलाकार कौन था मित्रों? तो महान कलाकार थे लियोनार्डो द विंची। क्या थे? लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? किस देश के केंद्रों में फली फूली मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि इटली। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। तो उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि राइफेल। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि राइफेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? तो माइकल एंजेलो इसके समय में हुआ था? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी पुनर्जागरण। क्या है? पुनर्जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? तो सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी माइकल एंजेलो ने। किसने? माइकल एंजेलो ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है? होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है, तो इस पेंटिंग का चित्रकार कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी माइकल एंजेलो। क्या है? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है? द लास्ट जजमेंट चित्र के चित्रकार का नाम है, तो यह कौन है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी माइकल एंजेलो। क्या है? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार था? तो यह किस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार था मित्रों? तो यह था ऑप्शन नंबर ए सिस्टाइन गिरजा। क्या है? सिस्टाइन गिरजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई है? तो डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए
17 फीट। क्या है? 17 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ है? तो माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पे है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस में। कहाँ पे है? फ्लोरेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया? तो किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, माइकल एंजेलो। क्या है मित्रों? माइकल एंजेलो ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही थे तो वे क्या थे मित्रों? चित्रकार के साथ साथ वे वास्तुकार भी थे, कवि थे, मूर्तिकार थे, तो उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो थे, ये रिपीट चाहे मित्रों, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है? तो पीटा नामक प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि माइकल एंजेलो। क्या है? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? तो डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, माइकल एंजेलो। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो वह चित्रकार कौन था मित्रों जो मूर्तिकार भी था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, माइकल एंजेलो। क्या है? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। तो यह कौन थे मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि माइकल एंजेलो। क्या है? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है? तो यह किस चित्रकार की कहानी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि माइकल एंजेलो की है। किसकी? माइकल एंजेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? यह है ऑप्शन नंबर ए, राफेल सेंजियो का। किसका? ऑप्शन नंबर ए, राफेल सेंजियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टिन मैडोना को किसने चित्रित किया है? तो सिस्टिन मैडोना को किसने चित्रित किया है? यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि राफेल ने। क्या है? राफेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनार्डो द विंची का जन्म हुआ था? लियोनार्डो द विंची का जन्म हुआ था तो यह कब हुआ था मित्रों? ये था ऑप्शन नंबर बी जो कि 1452 में। कब हुआ था? 1452 में इनका जन्म हुआ था, लियोनार्डो द विंची का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार हैं। तो प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि लियोनार्डो द विंची। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा संग्रहित है तो मोनालिसा कहाँ संग्रहित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? तो क्या दर्शाया गया मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी को दृश्य दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? तो मोनालिसा चित्र किसने बनाया मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, लियोनार्डो द विंची की। किसकी? लियोनार्डो द विंची की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? क्या किस देश के कलाकार की कृति है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि इटली। क्या है? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है? तो नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा गया है? यह है ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो द विंची की मोनालिसा।
कौन है? लियोनार्डो द विंची की मोनालिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनार्डो द विंची के शिक्षक कौन थे? तो लियोनार्डो द विंची के शिक्षक कौन थे? यह है ऑप्शन नंबर सी, आंद्रिया देल वेरे सीओ। कौन थे? आंद्रिया देल वेरे सीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज ऑफ वर्जिन चित्र किसके द्वारा चित्रित है? तो मैरिज ऑफ वर्जिन किसके द्वारा चित्रित है? यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी ड्यूरर। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि डी है मित्रों, ये है राइफेल। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि राइफेल है। क्या है? राइफेल, सही ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की कला, किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? तो यह किसको डिवाइन पेंटर कहा जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, राइफेल सेंजियो को कहा जाता है। किसको? राइफेल सेंजियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? तो शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो द विंची। किसकी? लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम भोज चित्र किस चित्रकार का नाम है? अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम है, यह क्या नाम है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो द विंची। क्या है? लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं? द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं, तो इसके चित्रकार कौन है मित्रों? यह है लियोनार्डो द विंची। क्या है? लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनार्डो द विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है, तो सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र इनका कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। क्या है? वर्जिन ऑफ द रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? कौन दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया? तो थे कौन? लियोनार्डो द विंची और माइकल एंजेलो। कौन थे? लियोनार्डो द विंची व माइकल एंजेलो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आद्य पुनर्जागर का महान चित्रकार कौन था? आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर ए, जियोत्तो। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जियोत्तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? यह है ऑप्शन नंबर ए, जर्जियोन की। किसकी? जर्जियोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुनरुत्थानकालीन वास्तुकार था? यह वास्तुकार कौन था? यह है ऑप्शन नंबर सी, ब्रूना लेसी। क्या है? ब्रूना लेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? यह कौन सा कलाकार है जो पुनरुत्थान कला से संबंधित नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर डी, पिकार्डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि पिकार्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण कला का शिखर काल है? पुनर्जागरण कला का शिखर काल है, यह कौन सा काल है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि 1500 से 1527। क्या है? 1500 से 1527। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर ए, मैसेचियो। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि मैसेचियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड की मूर्ति का मूर्तिकार था? तो डेविड के मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? यह है ऑप्शन नंबर सी, दोनातेल्लो। क्या है? दोनातेल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, पुनर्जागरण कालीन। क्या है? पुनर्जागरण कालीन का चित्रकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? यह ऑप्शन नंबर डी, पुनरुत्थान काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा के बारे में किसने कहा था कि यह निश्चित रूप से एक चमत्कार है कि पत्थर के एक निराकार खंड को पूर्णता व स्तर दिया जा सकता है जो कि प्रकृति भी शायद ही कभी शरीर में पैदा करने में सक्षम है? तो यह किसने कहा था मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर ए वासारी। क्या है? वासारी ने कहा था माइकल एंजेलो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरम पुनरुत्थान कालीन वेनिस का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? यह किसे माना जाता है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जियन को। किसे? जॉर्जियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? मित्रों यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? यह है ऑप्शन नंबर बी, 1471 में। कब? 1471 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बालों के अद्वितीय चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध था? यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, ड्यूरर था। क्या था? ड्यूरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है? पूर्व पुनरुत्थान काल कहा जाता है। क्वेश्चन, प्रख्यात चित्र विनस को किसने चित्रित किया है? ऑप्शन नंबर ए, बोत्तिचेल्ली। क्या है? बोत्तिचेल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनस का जन्म, द बर्थ ऑफ विनस का चित्रकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बोत्तिचेल्ली। क्या है? सैंड्रो बोत्तिचेल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड्रो बोत्तिचेल्ली प्रसिद्ध कलाकार था? कहाँ था मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि इटली का यह है प्रसिद्ध कलाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र है? यह है ऑप्शन नंबर बी, वीनस का जन्म। क्या है? वीनस का जन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस कलाकार ने बनाया था? यह है ऑप्शन नंबर ए, टीसियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया है? यह है ऑप्शन नंबर ए, राइफेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेट एंड प्रोपेन लव किसने चित्रित किया है? यह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि टीसियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस ऑफ उर्बाइनो किस चित्रकार का चित्र है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टीसियन। क्या है? ऑप्शन नंबर जो कि डी, टीसियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? यह है ऑप्शन नंबर बी, कैरावेजियो। क्या है? कैरावेजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हवाई जहाज का सर्वप्रथम रेखांकन किसने किया? हवाई जहाज का सर्वप्रथम रेखांकन किसने किया या किया? ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो द विंची ने। किसने? लियोनार्डो द विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा का चित्र, मोनालिसा का चित्र किस रंग के विभिन्न टोन में बना है? यह किस रंग के विभिन्न टोन में बना है? तो ऑप्शन नंबर जो कि सी, लाल रंग में। क्या है? लाल रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरर द्वारा निर्मित द लाइफ ऑफ वर्जिन 1502 से 1510 में क्या है? यह ड्यूरर द्वारा निर्मित है द लाइफ ऑफ वर्जिन, तो यह क्या है? यह है मित्रों एक वुड कट है। क्या? प्रिंटिंग पे बना हुआ वुड कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजलो द्वारा वेटिकन में सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? यह है मित्रों कि फ्रेस्को विधि में। किसमें? फ्रेस्को विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन जिसे पुनरुत्थान का घोषणा पत्र भी कहा जाता है किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह है पिको डेला मिरांडोला। किसका है? पिको डेला मिरांडोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण का जन्म स्थान है, पुनर्जागरण का जन्म स्थान है तो यह कहाँ पे है? यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि फ्लोरेंस। क्या? ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1564 ईस्वी में मृत्यु पर्यंत माइकल एंजलो को कहाँ दफनाया गया? तो माइकल एंजलो को कहाँ दफनाया गया मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर ए, सांत क्रास। कहाँ पे? सांता क्रास फ्लोरेंस इटली में। कहाँ पे? सांता क्रास फ्लोरेंस इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण कालीन प्रसिद्ध महिला कलाकार थी, तो प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन थी? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, उपर्युक्त सभी। कौन थी? आर्टेमिसिया जेंटिलेस्की, ये भी थी। और कौन थी? एलिजाबेटी सिरानी, ये भी थी। और लेविलेना फोंताना, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजलो का पिएटा मूर्ति था, तो माइकल एंजलो का पिएटा मूर्ति था, यह किसका था मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर का एक खंड। क्या है? संगमरमर का एक खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरर प्रसिद्ध है, तो ड्यूरर प्रसिद्ध है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, उत्क्रण। क्या है? उत्क्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस बैप्टिस्टी बपत स्माकच्छ के दरवाजे किसके द्वारा डिजाइन किए गए थे? यह किसके द्वारा डिजाइन किए गए थे? यह है ऑप्शन नंबर सी, लोरेंजो घिबर्टी। क्या है? लोरेंजो घिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजागरण चित्रकला में विकिरण परिदृश्य की शुरुआत करने का श्रेय किसे है? यह किसे जाता है? यह है ऑप्शन नंबर बी, पाओलो उसेलो को। किसे? पाओले उसेलो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? तो हम एक वुडकैट है। क्या है? वुडकैट है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? तो इटली के पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी जो कि जियोवानी पिसानो। क्या है? जियोवानी पिसानो, जो कि पुनर्जागरण से संबंधित इटली के नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी भी दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।